नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 11 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्य सचिव ने वित्त सचिव को भेजा टीडीटी स्केल राइडर का मामला। प्रदेश के समस्त शिक्षक वर्गों का आरंभिक वेतन बढ़ाने और टीजीटी शिक्षकों को राइडर प्रक्रिया में हुए नुकसान को दूर करने हेतु टीजीटी कला संघ का प्रयास आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने टीजीटी कला संघ महासचिव द्वारा प्रेषित विशेष ज्ञापन को प्रदेश वित्त सचिव सहित उच्च शिक्षा विभाग को भेजा है। मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित मामले को वित्त सचिव स्वयं देखेंगे। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव ने कहा कि संघ ने राइडर की अधिसूचना में शिक्षक वर्ग के लिए प्रयुक्त गुणांक में एक रूपता की मांग की है। यदि 1.26 का गुणांक सभी वर्गों हेतु प्रयुक्त हो तो टीजीटी को 48,200 रूपए, सीएनबी को 45,100 रूपए और प्रवक्ता को 54,500 रूपए का आरंभिक वेतन मिलना चाहिए। महासचिव ने कहा कि शिक्षक सरकार से केवल इस अधिसूचना में सम्मानजनक आरंभिक वेतन के संशोधन की मांग कर रहे हैं और टीजीटी ने ग्रुप सी और ग्रुप बी में वर्ग शिफ्ट करने की मांग भी इस ज्ञापन में उठाई है। चार्जशीट में संदिग्ध शब्द गैर कानूनी, हाईकोर्ट का सुझाव, जांच में आरोपी सही ना पाए जाने पर ऐसे शब्दों से बचे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिए कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक जांच में आरोपी ना पाया जाए तो उसका नाम चार्जशीट में संदिग्ध के रूप में ना दर्शाया जाए। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में संदिग्ध दर्शाए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए सुझाव दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने नीरज गुलाटी द्वारा याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वे रिपोर्ट में जरूरी संशोधन करते हुए उसे पुनः सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, एचपीयू दे आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश विश्वविद्यालय को आदेश दिए कि वे हाईकोर्ट के समक्ष उन कर्मचारियों का ब्यौरा रखे जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है। न्यायालय ने बालकृष्ण द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान विस्तारे से ये भी जानकारी मांगी कि ऐसे कितनी नियुक्ति है जिनके लिए विस्तारे द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। मामले पर सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में ये आरोप लगाए गए कि विस्तारे में रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने के बजाय आउटसोर्स के आधार पर भरा जा रहा है। अग्निशमन कर्मियों ने टाला संघर्ष, वेतन विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री का वार्ता को बुलावा। वेतन विसंगति में सुधार करने की मांग कर रहे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वार्ता के लिए बुलाया है। इसके बाद प्रदेश भर में काले बिल्ली लगाकर रोष प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी फायर ब्रिगेड यूनियन ने फिलहाल अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। वेतन विसंगति की समस्या हल करने को लेकर अग्निशमन कर्मियों ने प्रदेश भर में 15 और 16 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी थी। अब मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन अगली रणनीति तय करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अगले 20 साल तक सत्ता भूल जाए कांग्रेस, हरोली में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस के तंबू उखड़ चुके हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में प्रदेश के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बार बार बोल रहे कि भाजपा तंबू लगाकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे तंबू लगे लेकिन कांग्रेस के तंबू उखड़ चुके हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश में भी और दिल्ली में भी अपनी जमीन खो चुकी है, अगले 20 वर्षों में कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। हिमाचल में लंपी से निपटेगी केंद्र सरकार, काल पहुंचेगी पशुपालन मंत्रालय की टीम। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश नड्डा के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव कुमार वाले ने केंद्रीय टीम को प्रदेश के दौरे पर भेजने का निर्णय लिया है। इसकी पुष्टि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सर्वदेश ठाकुर ने की है। पे रिविजन पर होगा विचार, कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार का फैसला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए वेतन आयोग को लेकर पे रिविजन रूल्स में हुआ संशोधन फिर बदलेगा। राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए हायर ग्रेड पे जारी करने की अधिसूचना के बाद से कुछ कर्मचारी फिक्सेशन का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अधिसूचना की समीक्षा करने का फैसला लिया है।
सुखू के बाद अनशन कर रहे एनपीएस कर्मचारियों के साथ बैठे विक्रमादित्य सिंह सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू के बाद विधायक विक्रमादित्य सिंह अनशन कर रहे एनपीएस कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे। वे कुछ समय तक अनशन स्थल पर रहे और कर्मचारियों की समस्याओं को जाना। इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते उन्होंने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। कहा है कि यदि सरकार फिजूल खर्ची कम करे तो कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है। हिमाचल में सरकारी नौकरी राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधकों के 61 पद। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों असिस्टेंट मैनेजर के 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 10 से 30 सितंबर तक बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय जांच एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से 2 चरणों में ली जाएगी। पहले स्क्रीनिंग और उसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। पद नाम बदलना सरकार का काम, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन की याचिका खारिज। पद नाम बदलना या ना बदलना सरकार का काम है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है। प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन हिमाचल यूनिट की याचिका को खारिज करते हुए स्थिति स्पष्ट की है। प्रार्थी संघ ने चीफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का नाम बदलकर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। हिमाचल हाईकोर्ट NH अथॉरिटी को पहाड़ी की ढलान के संरक्षण के उपाय बताने के आदेश। कालका से शिमला निर्माणाधीन फोरलैन पर पहाड़ से पत्थर गिरने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सोलन से कैथली घाट तक पहाड़ी की ढलान के संरक्षण के उपाय बताने के आदेश दिए है। अदालत ने पूछा कि कितने समय में इस बारे में DPR तैयार की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश अजमल शहीद और न्यायाधीश जोशन अरिवाल दुआ ने यह आदेश पारित किया है। खबर SPU शिमला से, SPU ने BTech कोर्स के ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट की जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के UIT में BTech के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग की आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए आयोजित ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट जारी कर दी है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सूची में शामिल छात्रों को 12 सितंबर तक निर्धारित यात्रा जहाँ 200 रूपए ऑनलाइन फीस जमा करवाने की समय सीमा दी गई है। खबर HRDC से, HRDC कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 60 करोड़ रुपए जारी। राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। HRDC के 12,000 कर्मचारियों के वेतन और भत्तों सहित 6,500 पेंशनरों की पेंशन के लिए धनराशि जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मामला उठाया गया था कि कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि निगम हर महीने समय पर 60 करोड़ रुपए की राशि जारी करता रहेगा ताकि वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। कोरोना वायरस कोरोना मुक्त हुआ हिमाचल का लाहौल स्पीति जिला। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति कोरोना मुक्त हो गया है। घाटी में अब कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। शनिवार को जिला में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। ऐसे में लाहौल स्पीति जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग व लोगों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने 32 लोगों के कोरोना की जांच के लिए टेस्ट लिए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वेदर अपडेट, प्रदेश में फिर जख्म देगा मौसम। 13 सितंबर को येलो, 14 को ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 14 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही संबंधित विभागों की ओर से एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। प्रदेश में 16 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहने से हल्की बूंदाबांदी हुई। पालमपुर में झमझम बादल बरसे। वहीं नगरोटा बागवा में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। हालका लांबा बोली, मंडी रैली में PM मोदी को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर लौटाएगी महिलाएं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हालका लांबा ने कहा, भाजपा ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन इन्हें महंगा कर आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली के दौरान अपने गैस सिलेंडर वापस करेगी। प्रधानमंत्री से मांग की जाएगी कि या तो इन सिलेंडर को वापस ले या इनका दाम कम करे।
शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत कर टूलांबा ने प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस निशा सिंह के बहाने राज्य सरकार पर महिलाओं से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी। आज हालात ये कि आम महिला तो दूर, राज्य की एक महिला आईएएस अधिकारी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। निशा सिंह ये कहने को मजबूर होगी कि यहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। विकलांग कोटे के तहत पदों को भरने में हुई गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने तलब किया रिकॉर्ड। प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड में विकलांग कोटे से टीम एड के 30 पदों को भरने वाली चयन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। चयन कमेटी पर विकलांगों के कोटे को भरने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने वाली याचिका में न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 29 सितंबर तक सारा रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। आयुष विभाग में भर्ती हो गए 205 डॉक्टर, प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयुष विभाग में 205 डॉक्टरों की भर्ती होगी। इनमें 105 पद कमीशन और 100 पद बैच वाइज भरे जाएंगे। सरकार ने बैच वाइज पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दिनों दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द मेडिकल अफसरों की नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। पालमपुर के प्रेमी जोड़े ने कांगड़ा में निकला जहर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर तहसील के एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है। पालमपुर तहसील के 25 वर्षीय युवक और 22 वर्षीय युवती ने कांगड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत तैसू गांव के निकटवर्ती क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाया, जहर खाकर इसकी सूचना परिजनों को दे दी। परिजनों की ओर से तलाश करने के बाद दोनों को उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गंभीर अवस्था में टांडा पहुँचे प्रेमी जोड़े ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे दोनों प्रेम करते हैं लेकिन वे शादी नहीं कर सके। उपचार दौरान शनिवार को दोनों ने दम तोड़ दिया।